छोटी सादड़ी धोलापानी क्षेत्र में शुक्रवार को धोलापानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए PHC क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग उमड़ पड़े, जिनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही सभी को टीका लगाया गया। PHC प्रभारी डॉक्टर जगदीप खराड़ी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 60 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से अधिक सह रुग्णता वाले महिला पुरुषों से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम ईटों का ताला 5 मार्च, सियाखेड़ी 6 मार्च, गणेशपुरा 7 मार्च, डावटा 9 मार्च, अंबावली 10 मार्च, 12 मार्च को रंभावली आदि ग्राम पंचायतों के लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में शुरुआत से लेकर अभी तक PHC क्षेत्र के ग्रामीणों को करीब 1000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। चिकित्सक सब लोग अच्छे इंजेक्शन लगा रहे हैं, काफी भीड़ आ रही है और सब पंचायतों लोग सुख शांत से दे रहे हैं और शाम तक भी रुकेंगे तो उन्हें लगेंगे। पानी की व्यवस्था भी है, चाय की व्यवस्था भी कर रहे हैं और स्टाफ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ग्राम पंचायत में सभी जगह पर सभी को सूचित किया गया, उसके लिए जागरूक किया गया जनता को और सभी ने उत्साह से टीका लगवाने के लिए पहुँचे और व्यवस्थित टीकाकरण हो रहा है, इससे सभी में अच्छा उत्साह भी है। कोविड वैक्सीनेशन के तृतीय चरण में 60 वर्ष से ऊपर तथा 45 वर्ष से अधिक सहरुग्णता वाले सभी नागरिकों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य धोलापानी पर तारीख 3 मार्च से चालू हुआ था, जो आज तक लगभग 1000 टीके लग चुके हैं और आज के दिन 12 मार्च को लगभग 200 टीके यहाँ पर लग चुके हैं। अभी SDM साहब द्वारा दिए गए प्लान में 12 तारीख तक का टीकाकरण था, लेकिन इसके पश्चात अभी आगे की गाइडलाइन आने के पश्चात टीकाकरण किया जाएगा। छोटी सादड़ी से कैलाश शर्मा की ये रिपोर्ट।